वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू क्लास 8. आई एम योर टीचर मिस सना मारिया. टुडे इज 30th November एंड द डे इज मंडे. टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिलेबस. सिलेबस में हमारे पास फर्स्ट टर्म है. हमारे पास फर्स्ट टर्म के अंदर है हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म में. चैप्टर नंबर 1 फ्रेंडशिप. चैप्टर नंबर जो हमारे पास एक सेकेंड चैप्टर जो है हमारे पास जो है वो एजुकेशन है और हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है बीइंग फ्री. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म सिलेबस है. फिर उसके बाद आ जाए सेकेंड टर्म सिलेबस पे. हमारे पास सेकेंड टर्म सिलेबस में भी हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 3 है जर्नी, चैप्टर नंबर 4 है वर्क और चैप्टर नंबर 10 है फाइंडिंग योर प्लेस. ठीक है, ये हमारे पास 3 चैप्टर्स ही फर्स्ट टर्म के और 3 चैप्टर्स ही हमारे पास सेकेंड टर्म के हैं. अच्छा, तो स्टूडेंट मुझे आपसे एक बात पूछनी थी. ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट फ्रेंडशिप चैप्टर, तो सबका डन हो चुका? डन है? ठीक है, ओके. हम लोग एजुकेशन चैप्टर जो है वो अभी आवाज नहीं आ रही. किसको आवाज नहीं आ रही बेटा? अपने माइक अपनी वॉल्यूम चेक करो बेटा. वॉल्यूम आपके पास से कहीं कम तो नहीं है वॉल्यूम? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको कैसे नहीं आवाज आ सकती? बाकी स्टूडेंट बाकी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट डू यू थिंक टू एजुकेशन. आप लोग एजुकेशन एजुकेशन वर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? जब एजुकेशन वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आता है, क्या सोच आती है? व्हाट डू यू थिंक टू एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? अपने माइक ऑन करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा ना, ऐसे तो आवाज ही नहीं आएगी. व्हाट डू यू थिंक टू एजुकेशन? एजुकेशन से आप लोग एजुकेशन वर्ड से क्या समझ में आता है, क्या समझते हैं? यस बेटा, मिस एजुकेशन मींस पढ़ाई. हाँ, एजुकेशन मींस पढ़ाई, नॉलेज. गुड. एजुकेशन मींस तालीम. हाँ, तालीम. अच्छा, चले ठीक है. एजुकेशन के वर्ड से आपके माइंड में ये आता है तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई. ठीक है, व्हाट इज गुड एजुकेशन? जो गुड एजुकेशन, आवाज नहीं आ रही. व्हाट इज गुड एजुकेशन? गुड एजुकेशन क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा. मेरे पास से बिल्कुल सही आ रही है आवाज. आप अपने पास से बेटा चेक करो, मेरे पास से बिल्कुल सही आवाज आ रही है. सिग्नल्स भी बिल्कुल सही है मेरे पास. आप अपने पास से चेक करो. वॉल्यूम देखो कहीं से वॉल्यूम बेटा कहीं से वॉल्यूम तो कम नहीं है? मुझे आवाज आ रही है आपको, आपकी आवाज जो है वो मुझे आ रही है. आप वॉल्यूम अपना चेक करो. वॉल्यूम फुल आ रहा है आपके पास? फुल ऑन हुआ है वॉल्यूम? अगर वॉल्यूम कम होगा तो आपके पास मेरी आवाज नहीं आएगी. अपना वॉल्यूम फुल करो. बेटा आवाज आई अभी? यस, अभी सही आ रही आवाज? यस मैम. यस. अच्छा, सो नाउ कम टू आवर टॉपिक. अब मुझे बताएं व्हाट इज गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन क्या है? स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन से आपके माइंड में क्या आता है? गुड एजुकेशन क्या है बेटा? व्हाट इज गुड एजुकेशन? अच्छी तालीम. अच्छी तालीम. तो जी अच्छी तालीम क्या है, क्या होना चाहिए अच्छी तालीम में? एजुकेशन से हमारे दिमाग चेंज हो जाता है. एजुकेशन से माइंड चेंज होता है. अच्छा बेटा, ये जो आपके पास एक और कोई क्लास भी ले रहा है तो उसको बोले थोड़ा सा डिस्टेंस पे चले जाए. आप आवाज बहुत ज्यादा आ रही है.
चले ठीक है, गुड एजुकेशन जो है आप लोगों ने कहा, अच्छी एजुकेशन से जो है वो माइंड ओपन होता है. इशरत और रिकॉर्डिंग करी थी, बोले बोले एक मिनट. हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा नाम ले रही है. यस मिस, आवाज नहीं आ रही है. अरे यार आपको मेरी आवाज नहीं आ रही इशरत? नो मिस, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लोली आ रही है. बेटा अपना वॉल्यूम चेक करो, मेरे पास से आवाज जा रही है बेटा. मिस है ना वॉल्यूम मतलब मैं पूरा फुल खुला हुआ है, फिर भी है ना आवाज बहुत कम आ रही है. हमजा जुलेखा आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मैं तो सही आ रही है मिस. अरसलान आपको सही आ रही है? आमना आपको सही आ रही है? समीर बाकी सबको सही आ रही है? इश्रत आपका कोई प्रॉब्लम हो आवाज से? ठीक है, जिसकी वजह से आपको आवाज कम आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है तो मीन्स आपके पास कोई प्रॉब्लम है. ठीक है ठीक है, आ गई बेटा. आपने कुछ वॉल्यूम कुछ किसी ऑप्शन को छेड़ा होगा तो सही हुई आवाज. अच्छा ठीक है. इज एजुकेशन ओनली गेन इन स्कूल्स? अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ एजुकेशन जो है हम सिर्फ स्कूल से ही हासिल कर सकते हैं, कहीं और से भी हासिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं ये भी तो बताओ. स्कूल के अलावा और कहाँ से आप एजुकेशन घर से कर सकते हैं? घर से बैठे बैठे, घर में ट्यूशन में, ट्यूशन ट्यूशन. अच्छा ट्यूशन और ट्यूशन सेंटर से भी चीज हो जाओगे ना? ट्यूशन तो अलग चीज हो जाएगी, जो स्कूल में पढ़ते वही ट्यूशन में जाके पढ़ोगे. मिस हम मोबाइल से भी नॉलेज ले सकते हैं. हाँ मोबाइल से भी नॉलेज ले सकते हैं. और मिस अपने घर में जो लोग पढ़े हैं उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं. हाँ जो घर में लोग हैं जो पढ़े हुए उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं. गुड. और भी बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और भी अपने आइडियाज दें, क्या सोचते हैं आप लोग? इज एजुकेशन ओनली गेन इन स्कूल्स? सिर्फ हम लोग जो एजुकेशन है वो स्कूल से ही ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं? इकर्मा मुबीन अलीजा, यस बेटा चलें ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं. ठीक है, टुडेज आवर टॉपिक इज एजुकेशन. व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट? बेटा आप लोग अपनी बुक्स खोल लें, क्योंकि मेरे पास इतना क्लियर जो है वो पिक्चर्स नहीं है, तो आप लोग साथ में अपनी बुक्स खोल लें. ओपन द पेज नंबर चैप्टर 2, ओपन द पेज नंबर 28. बेटा 28 पेज नंबर जो है वो ओपन कर लो. ठीक है, Why education is so important? अब education जो है वो हमारे पास important क्यों है? क्योंकि education से हम लोग जो है education, हम लोग good education होगी तो हमें क्या manners भी आएंगे, उठने बैठने का अखलाकियात का भी पता होगा. ठीक है, हर चीज का जो है वो हमें पता होगा. ठीक है, तो education, why is education so important? ठीक है, education जो है वो क्यों important है? आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं तो अभी बताऊंगी, पहले आप लोग बताएं एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट? आप लोग क्यों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? मिस नॉलेज के इजाफा के लिए. हाँ आप लोग नॉलेज के अपनी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं. ठीक है, और समीर व्हाई यू गेट व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई यू गेट द एजुकेशन? एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हासिल कर रहे हो एजुकेशन? यस क्लास, एजुकेशन बास लायक इंसान बनाती है हमें. हाँ एजुकेशन से हम लोग एक गुड पर्सनालिटी हम बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं. वेरी गुड. ठीक है, एजुकेशन जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है. ठीक है ठीक है, हु वांट्स टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ? कौन फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेगा? मैं मिस मैं
ओके रीड अपनी बुक से रीड करें क्योंकि मेरे इधर सामने जो है स्क्रीन पे इतना क्लियर नहीं है. तो आप लोग जब भी क्लास लें, क्लास के लिए जब आए तो सबके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स भी होनी चाहिए, आपकी नोटबुक भी होनी चाहिए और नोट करने के लिए पेन या पेंसिल जो भी है वो आप अपने पास रखा करें. ठीक है मिस, मैं करूं? जी जी रीडिंग करना चाहता है बस स्टार्ट कर दें. और जो है सब जो है वो अलर्ट रहिएगा, मैं बीच में से किसी को भी जो है वो बोल दूंगी कि स्टार्ट करें, रीडिंग स्टार्ट करें. सो बी अलर्ट एवरीवन, बी अलर्ट. How will your life be different without education? For most of us, it's instrumental part of life. This is because we believe that it will help us throughout our life. The mind unstretched by a new idea never regains its original dimension. The idea was expressed by Oliver Wendell Holmes. And reflect the idea that education helps us to grow. क्या अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो हमारे आइडियाज को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, एजुकेशन जो है वो हमें जो है हमें ग्रो करती है, एजुकेशन जो है हेल्प करती है जो है वो ग्रो कर सके. ठीक है, what would your life be different without education? अगर आपके पास your life be different without education, अगर आपके पास education ना हो तो आपकी life जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो different होगी. ठीक है, और most of us अब हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग क्या वो education जो है उनके life का जो है वो education जो है वो उनकी life का एक essential part है, most important part है. This is because we believe that it will help us our lives. अब education जो है वो हमको पूरी जिंदगी जो है वो हमारी help करती है, हमारी जिंदगी में, हमारी lives में हमें मदद करती है, हमारे mind को जो है वो खोलती है, हमारा mind जो है वो scratch होता है, उससे हमें new ideas मिलते हैं. ठीक है, हमारी सोच जो है increase होती है, हमें अगर हमारे पास education होगी, good ideas होंगे तो उससे जो है वो हमारी education जो है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, एजुकेशन जो है वो डे बाय डे हमारी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, हम उससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे. ठीक है, अब उसके बाद अब आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है कि हाउ इज गुड एजुकेशन प्रोवाइडेड. अब गुड एजुकेशन जो है वो किस तरह प्रोवाइड की जाएगी. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन इज सीन एज. अब क्या है कि हमारे पास दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो गुड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन इज सीन एन एसेंशियल टू सोसाइटी एंड पर्सनल वेलबींग. अब क्या है हमारी सोसाइटी के लिए हमारे सोसाइटी के लिए जो एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक एसेंशियल पार्ट है. ठीक है, थ्रू आउट इट may not seem like a complicated issues. There are so many different theories and opinions about what is needed to provide a good education. Many people questions whether school needs more money, better education teachers, formal exams, different types of lesson, more homework, less homework. How important is it for every school age child to have access to a computer and the internet? Or of course the answer of these questions may be different according to an individual student's need and the resources of a local community. So anybody tell me ki aap is paragraph ko kya understand karte hain. What is a good education provided? अब क्या है इसके अंदर, कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? मिस एजुकेशन, यस बेटा बताइए, मैं तो बताऊंगी, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसमें हमें क्या बताया गया है.
अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ इसके अंदर हमें क्या है कि हमारे पास जो है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन. ठीक है, अब क्या है, अब पूरी दुनिया में जो है गुड एजुकेशन प्रोवाइड करने की प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, द पर्सनल वेल किस लिए, कि हमारी जो पर्सनल वेलबींग के लिए भी. ठीक है, अब ये जो है, अब बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड इशू है. ठीक है, देयर आर सो मैनी डिफरेंट थ्योरीज. अब बहुत सारे लोगों की अब डिफरेंट थ्योरीज है कि व्हाट इज नीडेड टू प्रोवाइड इट अ गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, मैनी क्वेश्चन. बहुत सारे लोग जो वो क्वेश्चन करते हैं, स्कूल जो है वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं. कुछ कहते हैं कि टीचर्स की बेटर एजुकेशन होनी चाहिए. कुछ फॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी ज्यादा पैसे लेते हैं. अब क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन्स हैं. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बताई हैं कि कुछ लोग कहते हैं ज्यादा होमवर्क है, कुछ लोग कहते हैं लेस होमवर्क है, कुछ लोग कहते हैं एक्सेस टू अ कंप्यूटर और द इंटरनेट. ठीक है, अब क्या एक्सेस जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर की होनी चाहिए एवरेज स्टूडेंट के पास. अब कुछ लोग कहते हैं कि अब उनकी लोकल कम्युनिटी के हिसाब से उनके पास जो है वो उनकी रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी डिफरेंट. अब क्या, अब इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हर कल्चर जो है वो डिफरेंट है, हर कम्युनिटी जो डिफरेंट है. कुछ लोकल कम्युनिटीज हैं जिनके पास बहुत चीप रिसोर्सेज होती हैं, जो और जो बहुत ज्यादा हाई फाई कम्युनिटीज होती हैं उनकी रिसोर्सेज जो होती हैं उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं. तो हर किसी का, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है. आप इस पिक्चर के अंदर ही देख सकते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा, जो फर्स्ट पिक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो किस तरह बैठे हुए. ये पता चल रहा है कि ये कोई लोकल कम्युनिटी का स्कूल है. फिर आप दूसरी पिक्चर्स में देखें तो वो क्लासरूम, बकायदा क्लासरूम्स हैं, बोर्ड्स हैं, बिल्कुल वो डिफरेंट है. क्या उनका जो कल्चर जो है, उनका जो जिसकी रिसोर्सेज, मतलब जो जिसके जितने वसाइल हैं वो उसके वो उतने वसाइल में रहते हुए एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहा है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है, पेज नंबर 30 के ऊपर. अब हम पेज नंबर 30 पे देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया है. एनीबॉडी टेल मी हु इज ओबामा, हु इज प्रेसिडेंट ओबामा. अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है. ठीक है, तो अब ये क्या है, एक ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट ही है. बुक के अंदर हमें इंटरव्यू लिया हुआ उसने, जो डोमोन वेगर एक स्टूडेंट है जो फ्लोराइड के हैं. उन्होंने उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था बराक ओबामा का इन 2009. अब 2009 के अंदर उसने क्या ये इंटरव्यू लिया था. ठीक है, इन द फॉलोइंग इंटरव्यू विद द विद प्रेसिडेंट ओबामा 11 ईयर ओल्ड. अब ये स्टूडेंट जो है 11 ईयर ओल्ड डिमोन वेवियर फ्रॉम इन फ्लोरिडा टेक्स द अपॉर्चुनिटी प्राइज इशूड एट द क्लोज टू हिज हार्ट. द इंटरव्यू टुक प्लेस इन 13th August 2009 अराउंड द टाइम व्हेन द प्रेसिडेंट वाज ड्यू टू मेक द स्टेटमेंट ऑन हिज गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी. डिमोन हैड ऑलरेडी interviewed a number of prominent people in the United States. Pay attention to his interview techniques. अब क्या है कि अब ये इंटरव्यू अभी हम देखेंगे कि ये जो 11 ईयर ओल्ड बॉय है कि ये किस तरह जो है प्रेसिडेंट का जो है वो उसने इंटरव्यू लिया, किस तरह वो उसका इंटरव्यू लेता है. ठीक है, किस तरह वो उसके किस तरह की उसने लैंग्वेज यूज की. अब आपस में जो इनकी लैंग्वेज होती है ये भी बिल्कुल उनकी आपस में ये लोग एक फ्रेंडली जो है फ्रेंडली लैंग्वेज जो है फ्रेंडली बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या है इसके अंदर डायलॉग्स हैं. ठीक है, टू पर्सन है इसके अंदर हमारे पास जो है वो डायलॉग्स हैं. किस तरह के डायलॉग्स हैं, एक डिमोन जो है डिमोन वेवियर जो इंटरव्यू ले रहा है और जो प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा है बंदा और एक दूसरा जो उसका आंसर कर रहा है. ठीक है, Who wants to read this? मैं आप लोग को दो जो है दो डायलॉग जो है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ, बाकी आप लोग
दो स्टूडेंट्स को मैं फिर बताऊंगी, फिर वो आप लोग रिपोर्ट देंगे, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास डायलॉग्स हैं वो टू डायलॉग्स हैं, ठीक है, टू डायलॉग्स हैं हमारे पास, सॉरी टू पर्सन बेटा, टू पर्सन है हमारे पास, ठीक है। एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू जिसके इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू देने वाला है, ठीक है। टू पर्सन है, टू एक्टर्स हैं, ठीक है। आई हैव हियर दैट यू वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट एजुकेशन, कैन यू टेल मी अबाउट द अनाउंसमेंट। अब जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो आंसर करते हैं, वेल डिमोन, ऑन सेप्टेम्बर 8 मिलियन पीपल अराउंड द कंट्री हैव जस्ट स्टार्टेड और आर अबाउट टेक मी people all across the country about the importance of education and the importance of sitting in schools, about how we run the education system and how it's so important for the country. So I hope everybody turns in. Okay, beta, ab kya iske andar first mein kya, ab jo behavior hai wo kya kehta hai ki aapne jo announcement ki thi एजुकेशन के हवाले से, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो प्रेसिडेंट ओबामा उसको बहुत अच्छे से आंसर कर वेल, हाँ जी हाँ, तो उसको पूरा अपना बताता है कि मैंने यंग पीपल के हवाले से क्या एक अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ बिग स्पीच, उसने अपनी पूरी स्पीच के बारे में बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग इन स्कूल्स, ठीक है। उसने एजुकेशन के बारे में जो कुछ उसने बताया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सो आई होप एवरीबॉडी टर्न्स इन, ठीक है। अब हु वांट्स टू रीड दिस, टू स्टूडेंट्स रीड करेंगे, एक स्टूडेंट जो है वो वेवियर की लाइन रीड करेगा और एक मिस्टर ओबामा की जो है, बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट है उनकी, ठीक है, ओके। All across? Yes. Beaver. All. All across America, money is being cut from education. How can education is important? Yes, beta, complete read करें इसको, पूरा पढ़ें. How can education be improved with all these cuts? Next. Well, we believe in the administration are actively trying to put more money into school, and there are a lot of schools all across the country that are getting new building and new facilities. Where we now putting more money into training good teacher and giving them more support, but money alone is not going to make the difference. We also got to improve how the school are operating, and we have been trying to focus on how you identify the best school and figure out what it is that they go doing well and we're trying to get other school that aren't going so well to do the some kind of think that the school who are going will are doing so. I hope that we can really see some improvement, not just with funding but also with improving how the school work. Can I also add that there are certain programs like dropout prevention program, for example the local school districts might not be able to afford, but we can improve
approved by federal government funding to those local districts so they can support such program. Next. Weaver, I will learn that your mom always made sure that you were going well at school. What should parents do to make sure their child education is better? Next. Obama, parents are the most important thing to any child's ability to do well in school. So making sure you are reading to your children, especially when they're young, even before they get to school, so they start being used to reading and they know their alphabet, they know the basics, so even when they get to kindergarten, they're already a leg up. I think it's important to make sure that kids are doing their homework and that they're not just turning on the TV all day or playing video games. I think parents should talk to teachers and find out from teachers directly what can be done to improve their child's performance. Setting a high standard is also important. Saying if you get a B, you can do better, you can get an A. Making sure we have high expectation for all children, because I think all children can do well as long as they have the support that they need. Okay. You have the power to make the school lunch better, Obama. Well, I remember that when I used to get school lunch, they did not taste so good. I have got to admit, we are saying if we can work to at least make school lunches healthier. There are lots of French fries, pizza, tater toast, all kinds of stuff that is not a well-balanced meal. So we want to make sure there are more fruits and vegetables in the school. Now kids may not end up liking that, but it's better for them. It will be healthier for them. And those are some of the change we have tried to make. I guess today we have French fries and mangoes every day for lunch. See, and if you were planning the lunch program, I did probably taste good to you, but it might not make you big and strong like you need to be. So we want to make sure that food tastes good in school lunches and it's healthier for you too. I love mangoes too, but I am not sure we can get mangoes in every school. They only grow in hot temperatures, and there are a lot of schools up north where they don't have mango trees. I notice as president, you get bullied a lot. How do you handle it? You mean people say mean things about me? I think that when you are president, you are responsible for a lot of things. People are having a tough time. They are hurting out there, and the main thing I try to do is just stay focused on trying to do a good job. I understand that sometimes people are going to be mad about things, but if I am doing a good job, I am doing my best, and I am helping people, that keeps me going. I wasn't too much in school. I was pretty big for my age, but obviously it's a certain thing, and I hope all young people out there understand that they should treat each other with respect. Can kids do make our country better? Yes, next.
I think what can kids to do make our country better. बेटा एक पढ़ा होता ना तो प्लीज वेट किया करें, वेट फॉर द व्हाइल व्हेन द अदर स्टूडेंट इज रीड. मैं समझ तो बारी नहीं आ रही. यस बेटा स्टार्ट करें, जैसे ही खत्म होता है नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया करें. मैं सारे लड़के लड़ रहे हैं. अच्छा ठीक है, लड़े वन बाय वन सब रीड करेंगे. ओके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, स्टार्ट करें. ओके वन बाय वन सब रीड करते जाएं. आई थिंक द थिंग्स दैट किड्स कैन डू बेस्ट इज जस्ट वर्क रियली हार्ड इन स्कूल एंड सक्सेस. इफ यंग पीपल लाइक योरसेल्फ आर रीडिंग एट हाई लेवल्स, डूइंग देयर होमवर्क, डूइंग मैथ्स एंड साइंस एंड एंडिंग अप गोइंग टू कॉलेज, दैट makes everyone better off. But also when they have some spare time, try to help people out. It could be people in your church or your religious community or out in the neighborhood helping an elderly person carry their grocery bags or helping out a younger person with their school work. Those kind of things are also really helpful to the country. Everybody knows that you love basketball. I think it would be cool to have a president who can you dunk. Yes, next. Not anymore. I was young, but I am almost 50 now. Your legs are go. Yes, beta. My buddy Van Wade promised me if you gave me the interview, he would play you in a 1-1 basketball game. But he's not sure if he would let you score. Would have you be willing to play him in a 1-on-1 basketball? Obama, I would play whenever. I have got to admit, for whenever is a little bit better at basketball than I am. So I would rather have him on my team playing against someone else than play against him. What is it like to be president of the United States? Well, it's very exciting. It's a lot of work and there are times where you get a little worn down. But every day you have the possibility, the ability to help other people, and if you can do that, it's great thing. In my town, Pahuki, I have seen a lot of shooting and fights. What are you going to do about violence and to keep me safe? Well, I think that we have to make sure that all schools have resources to keep kids safe, but also that parents and community members participate in training their young people to resolve arguments and disagreements without resorting to violence. Too many of our young people that get frustrated or angry with each other. They start acting out in violence. We need to make sure that we're teaching young people to deal with that issue that they may have in a better way, in a more constructive way. Beaver, I know that you're busy being the president, but I would like to invite you to my school, Canal Point Elementary School, because there's a lot of good things going on there that I would like you to see. Well, I hope that at some point I get a chance to visit your school, because you did a great job on this interview. So somebody must be doing something right down at that school. When I interviewed Vice President Joe Biden, he became my homeboy. Would you like to become my homebody? Absolutely. Thank you, man. Great job.
Thanks for making my dream come true, Mr. President Obama. Well, I appreciate it. You did an outstanding job. I look forward to seeing you in the future. Okay, student, ये तो था हमारे पास जो एक इंटरव्यू था जो देखे आपने वेवियर ने मिस्टर ओबामा का जो इंटरव्यू लिया और ये इंटरव्यू कितना अच्छा इंटरव्यू उसने लिया था तो अभी इसके बाद आपने भी एक इंटरव्यू प्रिपेयर करना है वो किसी से भी आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं ठीक है मैं इंटरव्यू के हवाले से आपको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि इस इंटरव्यू में क्या बात हुई है इस इंटरव्यू के अंदर जो है कि जो वेवियर जो है बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड उसने जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज यूज की है द लैंग्वेज यूज बिटवीन ओबामा एंड वेवियर इज रिलैक्सिंग एंड फ्रेंडली उनकी आपने टॉकिंग देखी ये उनका जो इंटरव्यू था कितना ज्यादा उनका एक रिलैक्सिंग इंटरव्यू था बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर फ्रेंडली जो थे वो बात कर रहे थे आपस में उनका जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा जो वो आपस में बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रहे थे उन्होंने कितने टॉपिक्स पे भी बात की कि उन्होंने किस किस बारे में बात की वो मैं सारा आपको बताती हूँ कि उनका जो उन्होंने जो बात की थी उन्होंने बास्केटबॉल के हवाले से बात की थी ठीक है बास्केटबॉल के हवाले से उन्होंने बात की उन्होंने स्कूल के लंच बॉक्सेस के बारे में बात की जो स्कूल्स के अंदर बुलिंग होती है बुलिंग मीन्स आपस में